हॅलो गाईज, माझं नाव पंकज सदगीर. हिंदीमध्ये बोलायचं का मराठीत? आपलं मराठी मातृभाषा ब्रो. हिंदीमध्ये पण चालतं ना एवढं काही. हॅलो गाईज, मेरा नाम पंकज आहे. और तो मैं एक मराठी स्कूल से हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जर्नी, हम दोनों की एक इंटरेस्टिंग जर्नी है. तो जब मैं हमारी शादी हुई थी 2017 में, तो उसके बाद मैं जॉब पे था. मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. और तभी से उसके बाद 17 में हमारी शादी हुई. उसके बाद कितने बार बताया, कल सुबह पनवेल निकालना है. अभी ये बताएगी सीमा, बताएगी सीमाली. सो हेलो, इसका नाम अलग अलग है, सीमा, सीमाली और उसका बाकी का नाम. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमाली सदगीर और मैं इस बंदे की वाइफ हूँ. और हम लोग बंदे की वाइफ, बंदे की मतलब है ये वाला. हम लोग चपरी में रहते हैं, चपरी बंदे की वाइफ बोल रहे हैं. तो प्राउड 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 तलेगांव में हम रहते हैं. तलेगांव दाबाड़ा, तलेगांव बोलने नहीं देते हैं मुझे. तलेगांव दाबाड़े एक पुणे के इधर है, रावेत के नियर बाय. आपको मालूम रहेगा आईटी में जो जो है वो उनको मालूम रहेगा तलेगांव दाबाड़ी कहाँ पे. और मेरा इंडस्ट्री यहाँ पे, इसलिए मैं तलेगांव में रहता हूँ क्योंकि इसका तो अभी वर्क फ्रॉम होम है. तो अच्छा है, अभी तक 3 साल हो गए वर्क फ्रॉम होम. जब से 3 साल तो तकरीबन हो गए. उसके बाद अच्छा है. तो मैं अब मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी. तो मेरा नाम सिमाली सदगीर है, मैं 29 ईयर्स की हूँ. हम लोग पुणे में रहते हैं, इससे पहले हम मुंबई में रहते थे. सो अभी हम 3-4 मंथ्स पहले ही मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए. तो हम लोग आप लोग का हमारा एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि जो भी लोग पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या बेटर है, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे आगे जाके. अभी तो फिलहाल हमें 3-4 ही महीने हुए हैं. अभी तक हम यहाँ पे इतना मन नहीं लगा पाए क्योंकि अभी तक इतना जान पहचान नहीं है. मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं कॉलेज वगैरह के टाइम के, बट वो इतने पास नहीं रहते, दूरी रहते हैं. तो वो सब है. और मैं क्या करती हूँ, सो मेरा प्रोफेशन मैं बताना चाहूँगी. मैं एक IT इंजीनियर हूँ. मैं एक जर्मन के सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं एज अ डेवलपर काम करती हूँ. सो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है और आगे आपको पता चलता रहेगा कि मैं और क्या क्या टैलेंट है मुझ में, मेरे सारे टैलेंट सबको. नहीं, इसका एक टैलेंट है, उसने एक वीडियो डाला था TCS में उसका जब सिलेक्शन हुआ. इसे फालतू चीजें यहाँ पे नहीं बोलने का, ये ब्लॉगिंग चैनल है ब्रो. ब्लॉगिंग म्हणजे तेच आहे, त्याच्यामध्ये चालणार पारसी मराठी नाही, हिंदी में चल रहा है अभी, हिंदी में चल रहा है ब्लॉग. हे, इसका एक वीडियो इसने डाला था TCS करके, TCS में इंटरव्यू कैसे देते. तो उसका पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था. उसके बाद उसने डाला था, नहीं होता है भाई, 6 महीने के बाद तक एंट्री नहीं होता है. अगर किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया तो तुझे पता नहीं है यार कुछ, तू क्या यार जाने दे. ठीक है, मैं मैकेनिकल हूँ. हम एक इंडस्ट्री में 2-3 दिन बाद देते है, तो ये इसका छोड़ दो, ध्यान मत दो. तो हम बताएंगे हमारे तो ट्रैवलिंग, हम अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग ब्रांड. मुंडी क्यों काट रहा है तू, तेरा सब दिक्कत है अच्छे से, तेरा मुंडी काट देता है. गुजराती भाई, ये पागल लोग हैं, ये पूरे बंगाली नहीं, बिहारी, बिहार से पकड़ के लाई हूँ मैं इसको और शादी की है. और पता नहीं ये कहाँ का साइड है, बिहार से लगता होगा, नहीं लगता है. आप लगने का नहीं है अभी, आप उनकी भाषा सुनो धीरे धीरे, लैंग्वेज अभी आप क्या होता है गाइस, तो आपको लगेगा. ये ऐसे मेरे को काटता है ना तो ये भी तभी समझ में आता है मुझे बोलने के लिए इसके मुंह पे हाथ रखना पड़ता है तब भी मैं बोल पाती हूँ. तो घर में तो अभी सुनो अभी पागल. अभी क्या होता है, मैं जब इंडस्ट्री में काम करता हूँ तब वहाँ पे मेरे जो वर्कर, मैं जो मेरे
नीचे काम करने वाले रहते हैं, कलीग्स बोलते हैं उसको, कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स मतलब जो अपने साथ में और नीचे वाले नीचे, को भी कलीग्स ही बोलते हैं। आप ऐसे बोलते है, ऐसे डिफर नहीं कर सकते, ये बहुत एटीट्यूड वाले लोग हैं। ये लोग को क्या करते पता है, अभी देखो मेरा मुंह ऐसा ढक लेंगे, मैं कुछ अच्छा बोलने लग गई मेरे मुंह ऐसा ढक लेंगे, तो ये ऐसे नीचे ऊंचे इनका पहले ही व्लॉग में चला रहता है। तो यही सब 7 साल हो गए गाइस सुन रहे हो, तो समझ सकते हो आप मेरी दुख भरी कहानी। और अभी ये मेरी दुख भरी कहानी मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप बने रहिए ट्रैवल, हम तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल ही करेंगे, ट्रैवल वीडियो भी बनाएंगे कभी सपोज जाते हैं। इसकी पूरे टांगे वांगे अभी दुखने लग जाती है, अभी वो 35 इयर्स का हो गया है, सो अभी ऐसे दुखने लग जाता है, फिर वो कहीं जाने के लिए नहीं नहीं बोलता गाइस। ये अभी देखो और ये बनाएगा ट्रैवल वीडियो गाइस। देखो मेरा मतलब अभी देखो ये बहुत सारे लोगों का हुआ है अभी, कभी अभी बहुत सारे लोगों का बाल वगैरह झड़ रहे हैं, बाल वाइट है। और एक मैं बताता हूँ, ये जब जो एडवर्टाइज आती है कि ये तेल लगा बाल आएंगे, आदिवासी हेयर ऑयल, अरे वो सब लोग जाते हैं ना वहाँ पे आदिवासी वगैरह कुछ, मेरे को दिखाया नहीं, नहीं वो नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, क्यों भाई वो सब, ये क्या होता है मैं बताता, सिंपल बात बताना चाहता, मैं सिंपल बताना चाहूंगी, मैं सिंपल अभी अनंत अंबानी के जाके बाल देखो बहुत, यही गाइस यही बोलने वाला था मैं, ये हमारा है ना बॉन्डिंग, बहुत मैच होता है, इतना मैच होता है, जो ये बोलना चाहता है उसके शब्द मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसे खींच के मैं बोल देती हूँ गाइस, ये और सारा मैं ले लेती हूँ अपने आप पे कैमरा, सारा सही चल रहा है, सारा अली खान उधर है, बट मैं सारा बोल रहा हूँ की हमारा जो बॉन्डिंग है उसको मतलब वायरलेस में फीका पड़ जाएगा, इतना बॉन्डिंग है हमारा, मतलब कुछ मतलब बोलने की जरूरत नहीं, इतना अभी मेमोरी फुल हो जाएगा, अभी हम कट करते हैं, मुझे लग रहा है बस हो गया, अभी 6 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गए हम गाइस, बाय बाय गुड नाइट, कल सुबह आपको मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे, बाय गुड नाइट, 2 महीने का